सागर के केसली मंडी परिसर में बने धान खरीद केंद्र से लगातार खरीदी को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 38,000 बोरियों में सिर्फ भूसा भरा मिला। एक स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाला था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं खरीदी केंद्र को सील कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्र पर जांच के दौरान खरीदी केंद्र संचालक सहित कर्मचारी भी मौके से भाग गए। बताया जा रहा है कि जो 38,000 बोरिया भूसे से भरी मिली हैं, उसे किसान से खरीदी गई धान बताकर सरकार से भुगतान लेने की तैयारी थी। धान खरीदी केंद्र यहाँ पर केसरी मंडी में दिगंबर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर शिकायतें प्राप्त हो गई थी कि अमानक स्तर की यहाँ पर धान खरीदी हो गई है, तो मौके पर मेरे द्वारा तहसीलदार सर के साथ में यहाँ पर आकर विजिट किया गया और धान की गुणवत्ता भी देखी गई। इसमें पाया गया कि एक्चुअल में धान खरीदी होनी थी, पर जो बोरियों में धान खरीदी गई है उसमें भूसे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार की और अनामक अमानक धान खरीदी का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। प्रशासन को संज्ञान लेते हुए इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं श्योपुर में पुलिस के हाथ एक